फ्रेम जो हमारा नेशनल होने वाला था वहाँ पे, उस नेशनल में मैंने फर्स्ट प्राइज मतलब गोल्ड मेडल निकाला है। मतलब जिस पार्टिसिपेंट को वहाँ पे गोल्ड मेडल मतलब जीत सकता था गोल्ड मेडल, उसको इंटरनेशनल के लिए फिर सिलेक्शन हो सकती थी। और मैंने मतलब अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल निकाला है। और 2019 में वो मैंने खेला था, और मतलब उन्होंने बोला कि 2020 में इसका इंटरनेशनल होने वाला था, फिर उसके बावजूद कोविड की वजह से वो सब प्रॉब्लम्स हो गई थी। आज मतलब अब जबकि सब सेफ है, और इस टाइम उन्होंने फिर निकाला कि अब आपको इंटरनेशनल के लिए जाना है। तो कितनी खुशी महसूस हो रही है, और कब आपको ये खबर मिली कि आपको इंटरनेशनल के लिए, कब कॉल आ गया? जी सर, मतलब कुछ 2 दिन पहले मुझे कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मतलब बता नहीं सकता, मतलब कोई शब्द नहीं है जो मैं बयां कर सकता हूँ कि मैं कितना मतलब खुश हुआ। कि पहले यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात करूँ, यहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जैसे कि यहाँ पे पहले स्टेडियम भी नहीं था, और माशाल्लाह आज यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मतलब मैं 2011 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जैसे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद अपने गाँव में, वहाँ पर मतलब उतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे थे, और ना वहाँ पे कुछ ग्राउंड था, और ख़ुद अपने आंगन मतलब अपने पार्क में प्रैक्टिस कर रहा था, और खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बावजूद भी जो हमारा कोच रहा है मिस्टर सुजात सर, मतलब वो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे स्कूल टाइम से गाइड किया है कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है अपनी लाइफ में, और उन्हीं की बदौलत से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, क्योंकि मैं आज इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ हूं। यूथ सर, यूथ्स के लिए सबसे बड़ी मैसेज यही रहेगी, क्योंकि आजकल जो भी यूथ है हमारा, मतलब जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारा जो यूथ है बेसिकली वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादातर मतलब उनके एडिक्ट हो चुके हैं। और मैं उन यूथ से यही मैसेज करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मतलब आज के चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी स्पोर्ट्स में आए, वो इन सब चीज़ों से मतलब दूर ही रह सकते हैं, क्योंकि जब उनका टाइम यहाँ पे मतलब शायद 1-2 घंटा रह, मतलब फिर उनको उस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल सकता, किस चीज़ के लिए मतलब गलत कामों के लिए। फिर जब यहाँ पे वो फिट रह सकते हैं मेंटली फिजिकली फिट, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छी मतलब अच्छी बातें सोच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मतलब यूथ को मतलब यही मैसेज है, क्योंकि वो आए ज़्यादातर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट्स करें, और स्पोर्ट्स में मतलब अपना नाम बनाए, उसी की बदौलत मतलब जो भी यहाँ पे आज का ड्रग्स वग्स वो सब मतलब मसला है, वो इससे कम हो सकता है काफ़ी हद तक।